काउंटिंग की कौन कौन सी क्वालिटेटिव करेक्टरिक्स हैं। टॉपिक ये बहुत इजी है, इसको हम डायरेक्ट थ्योरी में ही स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, इस टॉपिक के अंडर में हमें 5 छोटे छोटे पॉइंट स्टडी करने हैं, बट पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है वो ध्यान से देखिए, रिलायबिलिटी। कहता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना वो रिलायबल होनी चाहिए। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, अगर हमको इस टॉपिक को समझना है ना तो रिलायबल वर्ड को ऐसा समझ लीजिए कि विश्वास। जो हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो विश्वास करने लायक होनी चाहिए। सिंपल सी बात, इस पूरे पैराग्राफ का एक ही निचोड़ है, क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विश्वास करने लायक होनी चाहिए। अब जो भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, हर एक रिकॉर्ड का हमारे पास बिल होना चाहिए, वाउचर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस में हुई है, उस ट्रांजैक्शन का अगर आपके पास कोई बिल नहीं है तो आपने मतलब कहीं ना कहीं झूठ की इंफॉर्मेशन ही दिखा रखी है, ऐसा हम अकाउंट में मानकर चलते हैं। तो सबसे पहली बात देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल। अब रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन बट बी रियल एंड द वेरीफिएबल। मतलब जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है ना वो एक सच्चाई के ऊपर और ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम वेरिफिकेशन कर सकें। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी हैव वेरिफिबिलिटी इन द सच इंफॉर्मेशन कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द सोर्स डॉक्यूमेंट सच एज द कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, कॉरेस्पोंडेंट्स, एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी डीड्स एंड द अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। मतलब जो भी अकाउंट्स के अंदर आप ट्रांजेक्शन करते हो उस ट्रांजेक्शन का हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। क्या प्रूफ? इन द फॉर्म ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। अब सोर्स डॉक्यूमेंट का अलग से एक चैप्टर है, ये हम बात वहां पे स्टडी करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेइंग स्लिप, इनवॉइस, ये सारी बातें आती हैं। मतलब जब हम माल खरीदें तब भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, जब हम माल बेचें तब भी हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए, मैंने बैंक में पैसा जमा कराया उसका भी मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। उन सारे रिकॉर्ड्स के बेस पर, उन सारे प्रूफ के बेस पर मुझे अपने बिजनेस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। तो अगर आपके पास प्रूफ है तो डेफिनेटली आप क्या हो, विश्वसनीय हो। यही बात वो यहां पर कह रहा है। बट इफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, अगर हमारे पास बिल अवेलेबल नहीं है तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज बाय द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट विल नॉट बी कैपेबल टू बीइंग वेरीफाइड एंड इट वुड बी इंप्लाइड दैट इज कैन नॉट बी द रिलाइड ऑन। अगर हमने बिना प्रूफ के, बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के, बिना तथ्यों के आधार पर, बिना सच्चाई के आधार पर, हम सच्चाई के अकॉर्डिंग, सच और ईमानदारी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, ईमानदारी के अकॉर्डिंग तो हमने काम किया नहीं, और हमने क्या रेडी कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रेडी कर दिया, बैलेंस शीट भी रेडी कर दी। तो अगर आप बिना प्रूफ के आधार पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट रेडी कर देते हो तो उनके रिजल्ट के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, ये बात ही यहां पर बोल रहा है। तो इस क्या बात थी, हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो विश्वास करने के लायक हो। जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, किसकी फॉर्म में, बिल्स की फॉर्म में। सिंपल सी बात, इस टॉपिक का निचोड़। ये क्वालिटेटिव क्रेटिक्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज रिलायबिलिटी। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन जिसको चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग अनुरूप होनी चाहिए। मेरे को जाना तो है मान लो हरियाणा से कर्नाटक, कहां से जाना है मुझे, मुझे जाना है मान लो हरियाणा से कर्नाटक, मुझे इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए, हरियाणा से कर्नाटक के रूट की चाहिए। मैंने किसी से पूछा कि मुझे इंफॉर्मेशन दो कि हरियाणा से कर्नाटक कैसे जाना है, अब वो पर्सन मुझे असम का रास्ता बताने लग गया या मेघालय का रास्ता बताने लगा, तो वो इंफॉर्मेशन मेरे काम की है, नहीं है। मेरे को तो कर्नाटक जाना है पर मुझे वो कहाँ का रास्ता बता रहा है, असम का। तो बताओ वो इंफॉर्मेशन क्या मेरे अनुरूप है, क्या मेरे अकॉर्डिंग है, नहीं है। इसी तरह से अकाउंट्स में भी जो भी हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, वो वैसे ही होने चाहिए जो सामने वाले के अकॉर्डिंग हो। सिंपल सी बात। अब इसको हम थ्योरी में देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी शो होनी चाहिए जो इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव को पूरा करती हो, जो हमारी फर्म का जो टारगेट है ना उस टारगेट को पूरा करने वाली हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आगे कह रहा है अननेसेसरी एंड द इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो फालतू की बातें होती है ना,
जो अननेसेसरी चीजें होती हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, उसको अकाउंटिंग स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमको इंक्लूड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ना फालतू की बातें लिख देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उससे वो चीजें बहुत भारी भरकम हो जाती हैं और सामने वाले को जो चाहिए वो मिल ही नहीं पाता। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को भारी भरकम नहीं करनी, हम उनको वही देना है जो उनके अकॉर्डिंग हो। आगे देखिए, इट मस्ट हेल्प द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द मेकिंग डिसीजन। हमको इन्फॉर्मेशन इस अकॉर्डिंग देनी है ताकि वो मैनेजमेंट को भी हेल्प करे, इन्वेस्टर्स को हेल्प ले, क्रेडिटर्स को भी हेल्प करे, किस में? डिसीजंस लेने में। यस, फॉर एग्जाम्पल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इन द प्रीवियस ईयर्स इज द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स। कंपनी ने पीछे वाले साल में कितना डिविडेंड पे किया, ये इंफॉर्मेशन किसके काम की है? ये इन्वेस्टर्स के काम की है। इन्वेस्टर्स कौन? जो मेरे बिजनेस से पैसा लगाना चाहते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के काम की तो है, पर ये क्या इंफॉर्मेशन क्या क्रेडिटर्स के काम की है? क्या ये इंफॉर्मेशन इंप्लॉइज के काम की है? नहीं। तो सामने वाले को जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको आप वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो। यहां पे यही एग्जांपल ले रहा है। तो अगर हम उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग भी कर पाते हैं डिविडेंड्स को लेकर। तो इन्वेस्टर्स को हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी तो वो फ्यूचर का डिसीजन बहुत आसानी से ले पाएंगे। आगे कह रहा है द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द बैंकर्स विल नॉट नेसेसरीली बी द सेम द रिक्वायर्ड बाय द इन्वेस्टर्स। अब बैंक वालों को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टर्स को भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए। Hence the accountant will have to study the needs of the various users and find out the which information is common and relevant to the user. इसलिए accountant जब भी accounts को maintain करेगा, accountant जब भी accounting information पे काम करेगा, accounts को maintain करेगा, उसको ये बात बहुत ध्यान से देखनी है कि accounts इस तरीके से maintain करने हैं कि हर किसी की जरूरत को पूरा किया जा सके। Simple सी बात। In addition, a difficulty arises in the deciding to whom needs should be given priority. फिर भी एक accountant को दिक्कत तो होती ही है, एक accountant को problem तो होती ही है कि किसकी बात को प्राथमिकता दें। Bankers के according ready करें, investors के according report ready करें, owner के according करें, management के according करें। इसलिए उसको ये decision बहुत ध्यान से लेना होता है कि वो कोई ऐसी information report present करे जो सबके फायदे की हो। सिंपल सी बात। तो इस टॉपिक का पूरा कंक्लूजन क्या था? जिसको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये बात मैं आपको स्टार्टिंग से एग्जांपल के रूप में दे दी थी। मुझे जाना है हरियाणा से कर्नाटक, मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए हरियाणा से कर्नाटक की, बट मुझे कोई बता रहा है असम का रास्ता, तो वो असम का रास्ता मेरे लिए फायदे का नहीं है। मेरे को सुनने में भी विश्वास नहीं होगा। तो यहाँ पे अपने को बस ये ध्यान रखना है कि जो इंफॉर्मेशन जिसके रिकॉर्डिंग है अकॉर्डिंग है वो उसको ही प्रोवाइड होनी चाहिए। चलते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी, बोले तो समझ में आने योग्य। समझ में आने योग्य मतलब हमको ये इंफॉर्मेशन इस अकॉर्डिंग मेंटेन करनी है कि सामने वाले को समझ भी आ सके। अकाउंट्स हमको इस तरह से प्रेजेंट करने हैं कि सामने वाले को समझ में भी आ सके। सिंपल सी बात, इसका एक ही निचोड़ है, पर फिर भी इसको हम थ्योरी पे थोड़ा देख लेते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन ए सच ए सिंपल एंड द लॉजिकल मैनर। हमको रिपोर्ट इस तरह से प्रेजेंट करनी है जो सिंपल और लॉजिकल मैनर में हो ताकि कोई भी उसको बहुत आसानी से समझ सके, चाहे वो इन्वेस्टर्स है, चाहे जिसने हमको पैसा उधार पे दिया है, चाहे वो इंप्लॉइज है, कोई भी हो, उसको इन्फॉर्मेशन आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। तो ए पर्सन वू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी शुड बी आल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड देम विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर किसी इंसान को अकाउंट्स की नॉलेज नहीं भी है, तब भी उसको अकाउंट समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। एंड दिस कैन बी डन ओनली बाय द रिलेवेंट एक्सप्लेन नोट्स टू द एक्सप्लेन द इंफॉर्मेशन। हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसे ऐसे नोट्स दे देने चाहिए जैसे सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सामने वाले की बात को कभी कभी हमको क्लैरिटी करनी होती है तो हम नोट्स प्रेजेंट कर देते हैं ना, या आप एग्जाम में भी क्या करते हो, एग्जाम में आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया इतना छोटा सा, पर आपने जब उसको एक्सप्लेन करना हो तो आप क्या बनाते हो, नोट्स बना देते हो। तो वैसे ही आपको क्या करना है, सामने वाले को बात क्लियर हो जाए तो इसके लिए आपको क्या करना है, सामने वाले को आपने नोट्स प्रोवाइड कर देने हैं। तो जर्नल टॉपिक विच शुड बी इंक्लूडेड इन द एक्सप्लेनेटरी नोट्स आर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का आपने कौन सा मेथड लगाया, स्टॉक को आपने कैसे काउंट किया,
कंटीजेंट लाइबिलिटी कैसी है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। रिजर्व के बारे में, हमारे पास गेन कैसे हुए, लॉसेस कैसे हुए, इवेंट कौन कौन से होने वाले हैं बैलेंस शीट के होने के बाद, मतलब जो भी छोटी छोटी बातें हैं वो सारी बातें आप उनको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दो, ताकि आपके ऊपर वो विश्वास भी कर पाए और आपकी बातों का समझ भी पाए। फिलहाल इस टॉपिक का मीनिंग सिर्फ ये था कि हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करनी है कि सामने वाले को अगर अकाउंट्स के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है तो भी सामने वाले को बात सारी अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ये है हमारा फोर्थ, कंपैरेटिवली। बोले तो सामने वाले को हमने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रोवाइड करानी है कि सामने वाला उसको कंपैरिजन कर सके, फ्यूचर के बारे में सोच सके, पीछे वाले साल से भी कंपैरिजन कर सके। तो अकाउंट्स की इन्फॉर्मेशन हमें इस तरह से प्रेजेंट करानी होती है कि ताकि उसमें तुलनात्मकता भी हो, कंपैरिजन भी हो सके बहुत आसानी से। तो सामने वाले को कंपैरिजन कराने के लिए, सामने वाले को कंपैरिजन हो जाए क्या करेंगे इसके लिए, ध्यान से देखिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है फॉर द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड कंटेन द फिगर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर अलोंग विद द करंट ईयर। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर हमको क्या करना है, पीछे वाले साल का तो डाटा दे ही दो, इस करंट ईयर का डाटा भी दे दो, ताकि सामने वाला क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा और उसको पता लग जाएगा पीछे वाले साल प्रॉफिट ज्यादा थे या इस वाले साल प्रॉफिट ज्यादा है, तो सामने वाला बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर पाएगा। तो कंपैरिजन करना है तो आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है। आगे सिमिलरली द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच ए वे दैट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी मे बी कंपेयर्ड विद द ईच अदर कंसर्न ऑफ द सिमिलर टाइप। हमको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह से प्रेजेंट करनी है ताकि हम सिमिलर नेचर की कंसर्न के साथ भी, सिमिलर फर्म के साथ भी उसका कंपैरिजन कर सके। मेरी फर्म भी पाउडर बनाती है, दूसरी फर्म भी पाउडर बनाती है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करो कि दोनों फर्मों का आपस में भी क्या हो जाए, कंपैरिजन हो जाए। कंपनीज कंपैरिजन रिवील्स द स्ट्रॉन्ग एंड द वीक पॉइंट्स ऑफ द बिजनेस एंटिटी। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, इससे हमें हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट, हम कहां पर मजबूत हैं और कहां पे कमजोर हैं, इन दोनों बातों के बारे में हमको पता लग जाता है। कैसे पता लगेगा, कंपैरिजन के बेस पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फेथफुल प्रेजेंटेशन, मतलब हमको क्या करना है, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रेजेंट करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं ना, खुद को सही साबित करने के लिए झूठी बातें लगा देते हैं, अपने को अकाउंट्स में ऐसे नहीं करना है। अकाउंट्स में क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू शो द ट्रू एंड द फेयर व्यू, मतलब हमको सच्चाई के बिहाफ पर काम करना है, स्पष्ट चीजें दिखानी है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी, घोटाला नहीं करना, जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिखानी है वो बिल्कुल सच्चाई के ऊपर आधारित होनी चाहिए। बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है या प्रॉफिटेबिलिटी है, सारी बातें आपको ट्रू एंड फेयर दिखानी है, वो सारी बातें कैश फ्लो से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली रिजल्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोर्ट्रेइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटरप्राइज। मतलब अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम काम कर रहे हैं तो हमको प्रेजेंटेशन ट्रू एंड फेयर ही मिलने वाली है। सिंपल सी बात, यहां पर वाले पैराग्राफ में ये बोल रहा है। तो अगर आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एप्रोप्रिएट शो करानी है तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, मेथड के अकॉर्डिंग ही अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी चाहिए, ताकि वो सामने वाले के लिए क्या हो, फेथफुल प्रेजेंटेशन हो। ठीक है, तो अभी हमने क्या टॉपिक स्टडी किया, ध्यान से देखिए। हमने स्टडी किया है क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स के 5 टॉपिक। पहला टॉपिक क्या था, रिलायबिलिटी, मतलब विश्वास करने के लायक। फिर हमने क्या टॉपिक स्टडी किया, रिलेवेंस, जो टॉपिक जिसके अकॉर्डिंग है उसको वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाए, दैट इज रिलेवेंस। थर्ड टॉपिक हमने क्या स्टडी किया, समझ में आने योग्य। अकाउंट की इंफॉर्मेशन ऐसे प्रेजेंट करो कि सामने वाला अगर अकाउंट्स के बारे में नहीं भी जानता तब भी उसको वो समझ में आ जाए। फिर हमने स्टडी किया कंपैरिजन, हमको अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करनी है ताकि सामने वाला बहुत आसानी से कंपैरिजन कर पाए, तुलना कर पाए प्रीवियस ईयर से करंट ईयर की, दो फर्मों की आपस में, अगर दो फर्मों की अलग अलग यूनिट है तो यूनिट्स की भी आपस में कंपैरिजन बहुत आसानी से हो पाए। फिर हमने टॉपिक स्टडी किया फेथफुल प्रेजेंटेशन, फेथफुल प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर, सत्य और स्पष्ट।
ठीक है, ये होनी चाहिए। तो अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी वो फेथफुल होगी, सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट कर लेगा।